आप सभी को हमारा नमस्कार है। आप देख रहे हैं पीके स्मार्ट इलेक्ट्रिकल गुरुजू चैनल। हम इतना दिन से थोड़ा अपने काम में व्यस्त थे, हमको एक दो कंपनी देखना पड़ता है, उसी में हम चले गए थे, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाए। आज हम आपके लिए लाए हैं एक वीडियो जिसमें आपको एक स्टार्टर ये दो स्टार्टर बनाएंगे, लेकिन ये दोनों ये स्टार्टर से आप चाहे तो दो मोटर भी चला सकते हैं और चाहे तो एक मोटर भी चला सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं इसका आज पावर सप्लाई आपको बता देता हूँ, कंट्रोल जो है जो अगले वीडियो में बताएंगे। ये हमारा MCB है, देख ली, और ये हमारा कंटेक्टर है, और ये रिले है, ये भी हमारा एक कंटेक्टर और एक रिले है। अब हमको अगर 2 HP अगर दो दो HP मोटर चलाना है तो 2 × 2 = 4 HP हो गया, तो 4 HP के हिसाब से हम अपना ये MCB जो है डालेंगे TP का। तो ये हमारा 6 एम्पियर का है, तो ये दोनों को हम आपको बताएंगे जो कैसे कैसे जोड़ते हैं। ये हमारा 415 वोल्ट आ गया ऊपर, उसके बाद यहीं से 415 वोल्ट निकल के हमारा ये कंटेक्टर में आ जाएगा 415 वोल्टेज, फिर ये कंटेक्टर से निकल के हमारा ये कंटेक्टर में आ जाएगा 415 वोल्टेज, और यहाँ से जो हमारा लूप निकलेगा ये हमारा रिले है, रिले से भी आपको आउट हो जाएगा 415 वोल्टेज एक कंटेक्टर से, और ये दूसरा कंटेक्टर से हमको निकल जाएगा 415 वोल्टेज, ये हमारा दोनों चल जाएगा मोटर में। अगर हम चाहें तो एक स्विच से ये दो मोटर हम ऑपरेट कर सकते हैं, और चाहे तो हम एक स्विच से भी एक मोटर भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको बताएंगे इसका पूरा कंट्रोल वायरिंग करके जे कैसे कैसे हम करेंगे। ये हमारा पावर है, जो हम आपको पावर सीरीज बताते हैं, कंट्रोल नहीं बता रहे हैं, कंट्रोल बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सिर्फ पावर है, 415 वोल्ट है। ये हमारे MCB में आ गया 415 वोल्टेज, और ये क्या होगा जो हमारा दूसरा कंटेक्टर में भी ज्वाइंट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा कंटेक्टर है जिसमें हमारा ये ज्वाइंट होगा। ये हमारा दूसरा कंटेक्टर है, ये हमारा दूसरा कंटेक्टर में देखिए कि हमारा 415 वोल्ट आ गया, देखिए ये हमारा 415 वोल्टेज आ गया। TPMCB है, ये MCB से निकल के हमारा RYB लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 चल गया हमारा पहला कंटेक्टर में, और पहला कंटेक्टर से हमारा ये चल गया दूसरा कंटेक्टर में लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये हो गया। और ये हमारा रिले है, इसको रिले यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, देखिए ये आपका रिले ज्वाइंट हो गया। ये भी हमारा ज्वाइंट हो गया, देखिए हमारा ये दोनों कंटेक्टर में 415 वोल्ट आ गया। ये हमारा NVNC ब्लॉक जो है जो लग गया, ये भी हमारा NVNC ब्लॉक है जो लग गया। अब इसको क्या करेंगे, एक पुश बटन से
एक पुश बटन से क्या करेंगे हम आपको ये दोनों ऑपरेट करके दिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारा पावर कंट्रोल है। अभी इसको हम पूरा पावर कंट्रोल हटा के आपको सिर्फ इसका कंट्रोल दिखाएंगे अगला वीडियो में। हमारा ये वीडियो है सिर्फ पावर है, देख लीजिए। आप चाहे तो एक बटन से, एक NONC पुश बटन से आप चाहें तो दो तीन जितना चाहे उतना चला सकते हैं। जैसे हमारा एक तीसरा कंटेक्टर भी यहाँ रखा हुआ है, देखिए ये हमारा कंटेक्टर है, इसको अभी ज्वाइंट नहीं किए हैं। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, और एक पुश बटन से, सिर्फ एक पुश बटन से हम दाबेंगे तो एक दो तीन तीनों कंटेक्टर एक ही बार लगेगा, और बंद करेंगे तो तीनों कंटेक्टर हमारा एक ही बार बंद होगा, और हमारा चालू भी होगा तो एक ही बार चालू होगा। इसमें आप चाहें तो टाइमर भी लगा के सिग्नाइजर कर सकते हैं टाइम टाइम से, इसको सिग्नाइजर करने के लिए भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये हमारा सिर्फ पावर हो गया। हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें इसका फुल कंट्रोल हम दिखाएंगे, वो भी 6 एम्पियर का MCB डाल के जो हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मिला के 6 एम्पियर का MCB डाल के हम आपको कंट्रेक्ट करके दिखाएंगे NONC के थ्रू। हम नहीं थे, चले गए थे दूसरे जगह, उसके लिए आपको वीडियो हम नहीं डाल पाए, उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। कि हमारा समय मिलेगा तो हम जरूर आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बना के डालेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जो चाहे वो हमारे मतलब लिख सकते हैं, जो भाई को कोई दिक्कत हो या जो हो, बस यही है। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी हो। हम इतना दिन नहीं थे इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए, अब डेली बाय डेली वीडियो डालेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और ऊपर करो, और ऊपर है भाई पूरा। बस बस वही।